बहाना है मुसलमान, निशाना है दलित, बहाना है मुसलमान, निशाना है आदिवासी। संघ का साथ, संघ का विकास और संघ का विश्वास, सारी बातें नागपुर से हो रही है जहां लॉकडाउन फिर से हो गया। और भारत के लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, मेरा प्रधानमंत्री देखो, मुक्ति वाहिनी में भी नरेंद्र मोदी, अंग्रेज को भगाने में भी नरेंद्र मोदी, मुसलमान को भगाने में भी नरेंद्र मोदी, दलित को मारने में भी नरेंद्र मोदी। फंस गए तो कह रहे हैं बाबा हम एनआरसी कोरवेन्ना बोल रहा, बंगाल में ये कह रहे हैं एनआरसी कोरवेन्ना। विकास अगर तमाम सरकारी उपकरणों को मैंने लीज पर दे देना है, अगर ये विकास है तो मेरे जैसा भारतीय कहेगा ऐसा विकास नहीं चाहिए। गरीब बनाना, अमीरों को अमीर बनाना, सरकार उसी पर चल रही है, लेकिन आखिर इस काम को करने के लिए हमको एक मतलब बहाना चाहिए। वो बहाना है मुसलमान, ये टोपी और दाढ़ी, ये बहाना है, निशाना नहीं है। निशाना वहां है, बहाना यहाँ है, ये असल मसला है। और ये बात समझना पड़ेगा भारत के हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को। जिस दिन वो ये बात समझ गया कि बहाना है मुसलमान, निशाना है दलित, बहाना है मुसलमान, निशाना है आदिवासी, बहाना है मुसलमान, निशाना है अति पिछड़ा और पिछड़ा, अगर ये बात वो लोग समझ जाएंगे तो मसला हल है, व्यवस्था बदल जाएगा। और वो नहीं समझेंगे तो देश बर्बादी की ओर कदम कदम बढ़ जाएगा। मुसलमान बचा नहीं सकता है, मुसलमान कैसे बचाए? वो प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश में जाकर भाषण कर रहा है, मैं एडिशनल बात अब कर दे रहा हूं, आपने पूछा नहीं, भाषण में बोले मुक्ति वाहिनी जो था ना, मुक्ति वाहिनी पता है ना 1971 वाला जो बंग बंधु थे, उसमें सबसे पहले योगदान मेरा ही था। और भारत के लोग कह रहे वाह 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 वाह, मेरा प्रधानमंत्री देखो, मुक्ति वाहिनी में भी नरेंद्र मोदी, अंग्रेज को भगाने में भी नरेंद्र मोदी, मुसलमान को भगाने में भी नरेंद्र मोदी, दलित को मारने में भी नरेंद्र मोदी, और सब पे दलित ही ताली बजा दे रहा, पिछड़ा ही ताली बजा दे रहा, आदिवासी ही ताली बजा दे रहा। तो क्या कीजिएगा आप इस मुल्क में? इतनी जबरदस्त मतलब अंधभक्ति और इतनी जबरदस्त सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति अगर कमजोर हो जाएगी लोगों की, तो उस देश में अभी विकास मुद्दा बनना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ठीक है। आपने बातचीत के दौरान विकास का जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मैनिफेस्टो जारी कर कहती है कि हम विधवा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 लाएंगे, कहां किया? तीन प्रदेश में किया, अभी क्या? अभी का मैनिफेस्टो है बंगाल प्रदेश में किया क्या? जब मैंने अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अब पड़ोस के बच्चों को कह रहा हूँ मैं अगर टीचर बन गया ना तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा कि तुम्हें तो कलेक्टर बना दूंगा। अरे बेवकूफ, पहले अपने बच्चे को तो पढ़ा ले। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जुमले की सरकार है? जुमले नहीं, अब जुमला से बड़ा भी कोई लफ्ज निकालिए ना भाई, शब्द कोश पकड़िए, क्योंकि मोदी जी के पास जो शब्द कोश है, शब्दों का भंडारण है ना, उसके लिए एक शब्द कोश नया लिखना पड़ेगा, एक नई डिक्शनरी फिर से छापनी पड़ेगी। भार्गव का डिक्शनरी नहीं चलने वाला, वास्तव में ऑक्सफोर्ड वाला भी नहीं चलने वाला, एकदम अलग से बनाना पड़ जाएगा आपको, और उसमें एक शब्द निकालना पड़ेगा। ये जुमलों की बाजीगरी है, ऐसे शब्दों को इन्हों बिखेरते हैं ना, तो वो सब का सब, वो जादूगर को आपने देखा होगा ना, रखता है एक तो इतना बड़ा बंद करके, बात है उसको बेचना है तावीज, वो जंतर उंतर बेचना है, लेकिन बोलेगा रुक जा अभी रुको, इससे निकाल रहा हूं, वो सांप फला सांप जिसने ये कर दिया, चाहे सांप है नहीं उसके अंदर और ना डब्बा खुलेगा। बातों में घेर के सबको रखते रखते आखिरी में जब भीड़ जमा हो जाएगी तब वो पैतरा चेंज करेगा और जंतर निकाल के बेचना शुरू करेगा। तो ये मोदी जी का वही काम है, भीड़ पहले जमा करो, यह बना दूंगा, सोनार बना दूंगा, हीरा बना दूंगा, बनाएंगे क्या खाक, जहां इनकी हुकूमत थी वहां क्या क्या बनी पहले उसका हिसाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो कुछ बनाना चाहते हैं हम आपकी बात मान लेंगे। उत्तर प्रदेश में करप्शन बढ़ गया, बलात्कार बढ़ गया, लूट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई और पॉलिटिकल जो डिसबैलेंस हो चुका है, बिहार में विधानसभा में घुस के विधायक को मारा जा रहा पटक पटक के, ये डेमोक्रेसी में नंगा नाच हो रहा है, और आप कह रहे हैं हम विकास की गंगा बहा देंगे, तो विकास का अर्थ क्या समझा जाए? विकास का अर्थ ये समझा जाए कि मतलब जो चल रहा तेजी से उसी को विकसित करेंगे, या विकास को जिस रूप में जनता जानती है उसमें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये असल मुद्दा। विकास अगर BSNL को बेचना है, विकास अगर रेलवे को बेचना है, विकास अगर LIC को बेचना है, विकास अगर तमाम सरकारी उपकरणों को मैंने लीज पर दे देना है, अगर ये विकास है तो मेरे जैसा भारतीय कहेगा ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास में सरकार सरकारी रोजगार का अवसर निकाले,
विकास आरक्षण को समाप्त करना अगर है तो हम इस विकास के पक्ष में नहीं है। विकास दलितों के अधिकार को छीनना है, हम ऐसा विकास नहीं चाहते हैं। विकास अगर माइनॉरिटी का जो है क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन करना है, उसका उत्पीड़न करना है, उसको धमका के रखना है, तो ये विकास नहीं चाहिए। विकास मतलब आप अगर नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मैं कहता हूं कितना गलत नारा, नारा हो गया संघ का साथ संघ का विकास और संघ का विश्वास। सारी बातें नागपुर से हो रही हैं जहां लॉकडाउन फिर से हो गया, समझिए ना। तो मसला है कि अगर विश्वास हमारा जीतना चाहते हैं तो हमारी समस्याओं को सुनिए, समझिए और उसका निराकरण आप कीजिए, तब तो बात विकास की समझ में आती है। 500 रुपया और खाने पीने का इंतजाम और जाने के लिए लग्जरी बस कर दिया, रैली में आ गए, रटा दिया। आप जाइए ना रैली में, जब रैली खत्म होगी ना वहां से। किसकी रैली की बात कर? अरे मोदी जी की रैली की, अमित शाह जी की रैली की, योगी जी की रैली की, नड्डा जी की रैली की, पात्रा जी की रैली की, सारे जितने जी हैं उनकी रैली जब खत्म हो और लोग वापस होने लगे तो माइक भिड़ा लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कहाँ से आए भाई साहब, कान में पूछिएगा, किसी को 100 रुपया दे के पूछिएगा, देखिए सब कुछ उगल देगा, आपको बता देगा हम कैसे आए, क्यों आए, कैसे लाए गए, किसने हमें जाल में फंसाया। यही हो रहा खेल, पैसे का खेल है। लड़ाई असल जो है वो इकोनॉमिकल वार है, जो इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो रहा है, जो आर्थिक विषमता देश में फैल रही है। बस में फुटपाथ वालों के लिए कोई कानून है? देखे ना कब इनको कोई उठा ले, दिल्ली में हो रहा आप देख रहे हैं ना, गाड़ी आई उठा के ले गया, कोई कानून नहीं ना। रिक्शा चलाने वालों के लिए कोई कानून नहीं, बैटरी रिक्शा ना, यहाँ टोटो बोलते हैं, टोटो दिल्ली में आप बैटरी रिक्शा बोलते हैं ना, कोई कानून नहीं है उसके लिए। और 5 स्टार वालों के लिए कानून, गगनचुंबी इमारत वालों के लिए कानून, और क्रूजर और क्या कहते हैं बीएमडब्ल्यू वालों के लिए कानून। तो क्या चाहते हैं आप, कानून? यही तो डिसबैलेंस हो रहा, सोशल डिसबैलेंस, इकोनॉमिकल डिसबैलेंस, पॉलिटिकल डिसबैलेंस, इसको पाटने की जरूरत है। और जब तक आपके आपके बजट में गरीबों का हिस्सा नहीं हो, गरीबों का मुद्दा नहीं हो, तब तक आप ईमानदार सरकार नहीं है। अब इस मामले में हम लोग कभी कभी केजरीवाल को नंबर देते हैं कि भाई सब कुछ करने के बाद भी गरीबों के लिए कुछ न कुछ सोच रहा है, एक एक कदम, जैसे बिजली का बिल माफ कर देना, ये वो, सरकार पर तो असर पड़ता ही है उसका, लेकिन वो कर रहा है, सारी सरकारों कर रहा है। अभी मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को हम बस पे फ्री कर देंगे, कलकत्ता में कौन सी बस है सरकारी जो आप फ्री कर देंगे? 10% भी सरकारी बस नहीं है, सब प्राइवेट बस चल रहा है, कैसे आप फ्री कर देंगे और क्यों फ्री कर देंगे? इसका मतलब केजरीवाल को देख के आप कर रहे हैं, तो पहले यूपी में कीजिए, पहले आप मध्य प्रदेश में कीजिए, पहले आप आसाम जहां चुनाव हो रहा वहां क्यों नहीं किए 5 साल तक? वहां तो मारो पटा भगाओ लूटो पीटो कर रहे थे 5 साल तक, अब जब फंस गए तो कह रहे हैं बाबा हम एनआरसी कोरबेन ना बोल रहा, बंगाल में ये कह रहे हैं हम एनआरसी कोरबेन ना, मैं हाथ जोड़ रहे हैं माफी मांग रहे हैं। और इसी एनआरसी के नाम पर पूरे देश को 200 दिनों तक बंधक बनाकर रखा इस सरकार ने, और 570 करोड़ रुपए लगाकर आसाम में एनआरसी कराया गया, वो पैसे पानी में चले गए। और अब आप आसाम के लोगों को कहते हैं कि सीए होगा नहीं, एनआरसी होगा नहीं, जो हो गया सो गलती हो गई। अजीब अजीब बातें हैं, बोलते हैं, बैक होते हैं। कुल मिलाकर बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए जरूरी है कि ममता बनर्जी के अलावा विकल्प नहीं है। जिसको आप विकल्प बनाना चाहते हैं वो रेस से खुद ही बाहर भाग रहे हैं, वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं करेंगे। आरोप है कि मीडिया बिकता है, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है क्या? कहाँ है सारे पैसे? आप भी मीडिया खरीद लो। आरोप है कि मीडिया जो है पैसे से चलता है, आप लगाओ अपना टीवी चैनल खोलो, तो कांग्रेस ये सब काम नहीं करेगी, इसलिए कि कांग्रेस का भी मन जो है वो साफ नहीं है, उसके भी कारनामे बहुत अच्छे नहीं हैं, उसकी हिस्ट्री भी जो है वो ठीक ठाक नहीं है, इसलिए आरोप लगा के साइड हो रहे हैं, तो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। विकल्प बंगाल में वो नहीं बन सके, इसलिए ममता बनर्जी एकदम लास्ट विकल्प है। और जो सेकुलर वोट कहे जाते हैं, देखिए मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान गिनिए मत, मुसलमान तो बाय बर्थ ही है सेकुलर, इसके अलावा जो सेकुलर टीम है वो ममता बनर्जी के साथ है, इसलिए यहाँ सरकार बनेगी, लेकिन कमजोर भी हो रही है, 210 से नीचे आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मेरा अपना जो अनुमान है, सरकार बनेगी, मेरा अपना अनुमान है कि 160 से 162 के अंदर अंदर, ओपिनियन पोल भी यही कह रहा है, मेरा भी यही अनुमान है, ये एक बहुत बड़ा धक्का है। और अगर ये सीट भाजपा के खाते में गलती से चली जाती, जो इधर माइनस होता उधर अगर प्लस होता है, तो 5 साल तक इस बंगाल के अंदर अशांति रहेगी, इनके जीते हुए विधायक शैतानी हरकत करें, शैतानी शब्द बोलिए ना, शैतानी हरकत करेंगे,
वो माहौल को खराब करके अगले 5 साल की योजना बनाएंगे और दे अंतोगतवा वो माहौल खराब करने में सफल हो जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।